फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा राधे राधे, सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासियों, जितने भी मेरे यूट्यूब दर्शक हैं, फेसबुक दर्शक हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ श्रीमद गोकुल की जन्माष्टमी। और मैं इस समय मौजूद हूँ, मेरे पीछे है नंद बाबा का घर, जो भगवान कृष्ण को टोकरी में लेके आए थे, वो इसी घर में लेके आए थे। यहीं आज भगवान की छठी पूजा जाने वाली है और कल भगवान की यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जो कि बहुत ही वर्ष और उल्लास से यहाँ भरी हुई एक जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ भगवान की कृष्ण की जो छठी पूजी जाती है। तो मैं आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भीतर दिखाता हूँ भगवान कृष्ण की जो छठी पूजी वाली है। राधे राधे राधे। और इस हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे बहुत एकदम अच्छी सजावट, जो जैसे कहते हैं हर बार की तरह यहाँ पे बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत तरह उठाओ, बहुत ही अच्छा उत्सव रहेगा इस बार भी। आइए चलते हैं भीतर का आपको दर्शन कराते हैं। बंद है मैं अभी मंदिर के भीतर आ चुका हूँ। मैं आपको यहाँ से सामने यमुना जी का दर्शन कराता हूँ। सामने जो मथुरा यमुना जी के जरिए आप भगवान कृष्ण को टोकरी में धर के भगवान को यहाँ दे गए थे और योग माया को बदला करके ले गए थे। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये सामने मथुरा शहर है। ये गोकुल बैराज का जो पुल है, जो ये लाइटिंग जल रही है, अभी नाइट का समय है और 7:30 बजने वाले हैं। और 7:30 का ही मुहूर्त है भगवान कृष्ण की छठी पूजने का। तो थोड़ी देर, थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम और बाकी है। मैं आपको जल्दी भीतर से आपको दिखाने वाला हूँ भगवान कृष्ण की जो छठी पूजने वाली है। राधे राधे। और ये मुख्य मंदिर है भगवान का, जो भगवान को टोकरी में धर के वासुदेव जी लेके आए थे और इस जगह दे गए थे। ये शंकर जी की प्रतिमा बनी हुई है और सामने आप देखेंगे ये यशोदा माता है सामने। यहाँ भगवान ने बैठ के 3 रात 3 दिन तपस्या की थी, जब माता ने अपने लाल के दर्शन कराए थे। आप सामने देख रहे हैं, यही स्थान है जहाँ अभी जो आप पंडित जी थे सारी तैयारी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं यशोदा मैया भगवान कृष्ण की छठी पूजने के लिए यहाँ आती है और यही भगवान की छठी पूजी जाएगी। श्री मंदालये सर्व उपद्रव शांति अर्थम
सर्व मंगल मांगल्य सिद्ध्यर्थम् आयु श्री आयु आरोग्येश्वर्यादि वृद्धि द्वारा षष्ठी भट्टारिका देवी पूजन संकल्पम् अहम् करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणानाङ्गावे प्रियाणाङ्गावे अक्षतान गंधाक्षत पुष्पाणि श्रेष्ठ कुमता सुलोभिता मैया निवेदिता भक्त्याग्रहण परमेश्वरी पुष्पं दीपं आरती करो। जी बांध देंगे ना मत रो और आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की क्षति पुष्ट चुकी है और जितने भी यहाँ पुजारी यहाँ के लोकल में आके यहाँ मंदिर में रहने वाले जो पुजारी हैं उन्होंने पूजने उनकी क्षति पूजने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल जो यहाँ के गोकुलवासी हैं जितने भी लेडीज हैं क्षति पूजने के लिए कितनी बेताब है और कितनी भीड़ लग चुकी है आपके। अब यहाँ धीरे धीरे यहाँ प्रसाद बंटना चालू हो जाएगा और कल आपको यहाँ से आपको पुजारी जी के जरिए यहाँ की कुछ विशेषताएँ बताऊँगा जो कल के लिए आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो दूसरी साल आई तो सभी ने कहा कि माता तुम्हें अभी छठी तो नहीं पूजा है अभी सोलह कहाँ निकला है। तो एक जन्माष्टमी से एक दिन पहले यहाँ पर छठी पूजी आती है। छठी की मान्यता जो भी यहाँ के इतनी भीड़ लगी हुई है और क्योंकि सब्जियाँ लगा के जाती हैं तो सालों में भगवान उनको पुत्र प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर ऐसी मान्यता है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए ये छठी पूजन भगवान का इसलिए किया जाता है साल छठ दिन पहले छठी पूजन होता है। ठीक है पंडित जी राधे राधे। Oh,
आप कोवाल पंडित जी ने बताया है यहाँ से कि किस तरीके भगवान की यहाँ छठी पूजा आती है, और कल का आप प्रोग्राम देखेंगे इसी मंदिर से, रात 12 बजे आप लाइव देखेंगे यहाँ से जो भगवान का अभिषेक होगा, कल भगवान का जन्म होगा। राधे राधे। देख सकते हैं भगवान का महाप्रसाद, जो छठी पुण्य के बाद हलवा और पूरी का जो प्रसाद होता है यहाँ के सभी भक्तों में बांटा जा रहा है, और लाखों भक्तों की भी यहाँ भीड़ लगी हुई है इस समय प्रसाद के लिए। आपको दिखाता हूँ हलवा पूरी का जो प्रसाद बट रहा है। बच्चा चलते चलेंगे, भाई साहब इधर से नहीं मिलेगा। आज भगवान की छठी पुष्यतिथि है और कल भगवान का जन्म होने वाला है इसी मंदिर से। आप कल इसी चैनल पर ध्यान रखिए, रात को 12 बजे भगवान का जन्म होगा इसी मंदिर से। आपको लाइव कल आपको दर्शन बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। मिलते हैं आपको कल, गोकुल की जन्माष्टमी दिखाएंगे, पूरा गोकुल एक्सप्लोर करेंगे, जितनी भी यहाँ की भव्यताएँ, जितनी भी पुरानी से पुरानी जगह हैं आपको जल्दी से जल्दी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, राधे राधे, राधे।